वृंदावन जाके माँ के प्यारे के दर्शन करने का। तो पूरी फैमिली सहित हम लोग जा रहे हैं वृंदावन में माँ के प्यारे का दर्शन। सुनते हैं बहुत कठिन है, बहुत भीड़ होती है, फिर भी जाते हैं, एक्साइटमेंट है, और जाएंगे देखेंगे। और मेरे साथ आप भी चलिए, मैं आपको बांके बिहारी के दर्शन जरूर कराऊंगी। तो चलिए मेरे साथ। तो हम लोग बांके बिहारी पहुंच गए हैं, वृंदावन के जो बांके बिहारी मंदिर है उधर पे हम लोग पहुंच गए हैं। और आप देखिए यहाँ दुकानें, हर तरह की दुकानें सजी हैं। यहाँ पे मिठाई है, पूजा की सामग्री है, और जिसको जो भी लेना हो सामान वो भी मिल सकता है, यहाँ पे हर चीज़ मिलती है। तो हम सब लोग देखते देखते जा रहे थे कि किस किस तरह की दुकानें यहाँ, ऐसा क्या मिलता है। वास्तव में बहुत अच्छी अच्छी भगवान की पोशाक थी, उनके आभूषण थे, अच्छे अच्छे उनके खूबसूरत वस्त्र थे, और सजने संवरने का श्रृंगार का पूरा सामान था भगवान का, छोटे छोटे लड्डू गोपाल, छोटे छोटे से भगवान, अच्छे अच्छे उनकी पोशाकें, बढ़िया उनकी माला, हर चीज़ थी। मतलब जो पूजा में हम लोग योग करते हैं उनका उपयोग, सब कुछ थी। बड़े बड़े बंधन द्वार, बड़ी मोती की माला, फूलों की माला, हर तरह की चीज़ थी। मतलब कुछ भी आप ले सकते थे वहाँ पे। और सबसे प्रसिद्ध वहाँ पेड़ा रहते हैं, मिठाइयों में जो भी ज़्यादा से ज़्यादा मुझे पेड़ा ही दिखाई दे रहे थे, क्योंकि वहाँ शायद इनका ही भोग लगता है। हम लोगों ने भी प्रसाद लिया और देखते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे कि देखें क्या क्या। भीड़ तो बहुत गजब थी, दुकानें भी बहुत खूबसूरत तरीके से सजी थी, जगह जगह पे लोग कह रहे थे यहाँ से ले लो प्रसाद। सभी लोग अपना अपना देखते फ़ायदा कि हमारी ज़्यादा बिक्री हो जाए। हम लोगों ने भी एक शॉप से लिया और आगे बढ़े, और आप देखते जाइए भीड़ बहुत ज़्यादा भीड़ है। मतलब अब लगता है नॉर्मल दिनों में इतनी भीड़ है, तब इन लोगों का जो दिन आते होंगे भगवान के, जो निश्चित दिन है जन्माष्टमी वगैरह जो होते हुए, तो हाँ तो भैया बताते हैं सब लोग यहाँ परमानेंट ही भीड़ होती है। और जब ये त्यौहार होते हैं तो तिल भर की जगह नहीं होती है, जो बड़े बड़े भगवान के उनके जन्म नम के होते हैं, बहुत भयंकर भीड़ होती हुई है। बचाओ, हम लोग तो इतने घबरा गए और आखिर पहुँच गए मंदिर की ओर, और मंदिर की सीढ़ियाँ हम लोग चढ़ गए। आप देखिए गजब भीड़ है। बांके बिहारी मंदिर मथुरा के ज़िले में वृंदावन धाम में बिहारी पुराण स्थित है, इसके बारे में मैंने पता चलाया था तो मैं आपको ही बता रही हूँ। और यह भारत के प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। इसकी जो भव्यता है, इसके जो खूबसूरती अभी की नहीं है, बहुत पुरानी है। और बांके बिहारी जो मंदिर है, ये कृष्ण जी का ही एक रूप है। जो बांके बिहारी हैं, जो कृष्ण जी का ही एक रूप है, और जो इसमें प्रदर्शित किया गया है, जो बनाया गया है, वो उनका ही रूप है। और इसका निर्माण 1864 में स्वामी हरिदास ने कराया था। इसका निर्माण ऐसे नहीं, बहुत पुराना है। और मैंने वहाँ पे घुस के दर्शन पाने की कोशिश किया। आप देखिए मैं चोरी छिपे अपने फ़ोन का इस्तेमाल कर रही हूँ, फ़ोन ले जाना मना है, सब लोग कह रहे थे फ़ोटो मत खींचना मत खींचना, लेकिन मैंने लगा कि जो मेरे से जो पहुँच रहे हैं देखने वाले हैं, सबका मन होता होगा हम भी झलक पा लें। तो बहुत कोशिश की और मैं आप दिखाती हूँ कि कितनी धीमी तरीके से मैंने, ये रहे भगवान जय हो। और जैसे ही मैंने वहाँ दर्शन पाए हैं, तो जो दो तीन लेडीज पुलिस थी उन्होंने हमको देख के मना किया कि ये क्या कर रही हैं आप, यहाँ फोन ले जाना मना है। लेकिन मैंने कहा कि थोड़े से दर्शन मुझे लेने थे, और बस जब तक वो मेरे तरफ आती मैं वहाँ से आगे की तरफ बढ़ गई कि कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग हमारा फ़ोन वोन खींच के फेंक दें, कोशिश थी शायद। मैंने वहाँ से जल्दी जल्दी आगे की तरफ बढ़ी, इसी में आपको दिखाई दे रहा होगा फ़ोन मैंने उसका कवर बंद कर दिया, तो अंधेरा सा है। आपको लग रहा होगा कि यहाँ अंधेरा क्यों है, वो इसी वजह से है कि कहीं ऐसा ना हो वो लोग हमारा फ़ोन खींच लें। और मैं किसी भी तरह आगे भीड़ में भागी बढ़ी हूँ कि अपने जो मेरे फ्रेंड हैं जो भी, उनको भी लग रहा होगा कि अरे खुद पहुँच गई, मुझे दर्शन नहीं कराए, लेकिन मैंने उसकी कोशिश की है। आप देखिए यहाँ पर कितनी भयंकर भीड़ है। और वहाँ से मैं निकली हूँ बाहर की तरफ, और आने वालों की कमी नहीं है, आ भी रहे हैं जा भी रहे हैं। हम लोग किसी तरह से वहाँ से निकले, वहाँ से
बहुत भयंकर भीड़ है, बहुत खूबसूरत मूर्ति है उनकी मूर्ति, बांके बिहारी की जो सांवली सलोनी मूर्ति थी बहुत अच्छी लग रही थी देखने में, आँखों में इतनी ठंडक दे रही थी, इतना बढ़िया लग रहा था। हम आपको वहाँ का पहुँचेंगे तभी आपको पूरा उसका जो भगवान का रस है, जो भगवान के भाव हैं, वो फीलिंग ही अलग है। जैसे ही घुसते हैं अपने आप एक फीलिंग आ जाती है, जो सब पब्लिक जब चिल्लाते हैं बोलो बांके बिहारी की जय, राधे राधे, ये चीज़ देखने, बच्चे भी देखो साथ में हैं सब लोग, एक राधा जी का जो टीका लगता है वो सपनों के लगाया जाता है, वहाँ पे लोग हैं जो लगा रहे हैं, हम लोगों को पकड़ पकड़ के भैया लगवा लो, तो हम लोग लगवाते हैं, उनकी श्रद्धा है, हम लोग 10-5 रुपये अगर दें तो खुशी, और ना दें तो बेचारे जिद भी नहीं करते हैं, लेकिन हम लोगों ने अपना अपने सामर्थ्य से उनको दिया। और बस पहुँचते हैं जब सब लोग कहते हैं राधा रानी की जय वाकई में, तो बहुत अच्छा लगता है, अपने आप एक ऊर्जा आ जाती है शरीर में, बहुत अच्छा लगने लगता है। बच्चे सब बच्चे भी बहुत उत्साहित हैं कि हम लोगों की जर्नी, हम लोगों की फैमिली जो है पहली बार है, कभी नहीं गए इधर की तरफ। अब देखिए हर तरह की पोशाकें वगैरह है, वहाँ से हम लोग लौट रहे हैं तो कुछ ना कुछ खरीद रहे हैं कि चलो ये भी ले लो वो भी ले लो, भगवान के कुछ वस्त्र भी लाए हैं, कुछ कहते हैं कि कुछ सामान भी उनका लेके आए, प्रसाद वगैरह की मुझे बांटना भी था, और लोगों को जो हमसे जुड़े हुए लोग थे और सब कुछ लेके आए हैं। हाँ तो मैंने फ्रेंड वृंदावन में जाके आपको बांके बिहारी के दर्शन कराए, बहुत कठिन थे, बहुत भीड़ थी, बहुत मुश्किल में घुस के चोरी छुप के मैंने आपको थोड़े से दर्शन कराए हैं, और क्योंकि मैं गई थी आप लोगों को लग रहा होगा कि गए और आपने मतलब खुद कर लिए, मुझे नहीं कराया, तो मैंने कोशिश की है थोड़े से झलक आपको दिखाने की। आपने देखे होंगे बहुत खूबसूरत मूर्ति भगवान की, बहुत अच्छे हैं, और इसी तरह आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे साथ बोलिए राधे राधे।